सोमायरा न्यूज और आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। देश में कोरोना संकट के बीच शरारती तत्व द्वारा लोगों को बेफिजूल परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला भारतीय रेलवे से जुड़ा सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने बेरोजगार व्यक्तियों से ठगी करने के मकसद से भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसको रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने खारिज कर दिया और झांसे में नहीं आने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई समाचार पत्रों में छपे रेलवे भर्ती के फर्जी विज्ञापन के संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने कहा कि फर्जी गिरोह द्वारा उक्त विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाया गया है। रेलवे के द्वारा इस समय कोई भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस समय विज्ञापन के झांसे में नहीं आए और समझ से काम ले। इंडियन रेलवे की तरफ से और पश्चिम मध्य रेल की तरफ से मैं एक क्लैरिफिकेशन जारी कर रही हूँ। कल कुछ संस्करण में, कल और परसों देखा गया है कि कुछ संस्करण में, विशेषकर जैसे जो हमने पाया है जबलपुर नई दुनिया में है, भोपाल नव दुनिया में है और इस तरह कुछ जागरण ग्रुप के कुछ न्यूज़पेपर्स में है, ये एक एडवर्टाइजमेंट निकला है रेलवे भर्ती को लेकर। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इस तरह रेलवे की अभी कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है। कोई भी इस एडवर्टाइजमेंट से भ्रमित ना हो, ये एक फेक एडवर्टाइजमेंट है और हम किसी भी प्राइवेट एजेंसी को हायर नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। इसका हमने क्लैरिफिकेशन आप PIB फैक्ट चेक फाइल से भी देख सकते हैं, उसमें भी है और हमने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल रखा है। आप किसी भी प्रकार से इसमें भ्रमित ना हों।